प्रदेश की चर्चित सीट खंडवा से भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नंदकुमार सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर विवादित बयान किया, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने चौहान की मानसिक स्थिति पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट, ये सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर और दो बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंदकुमार सिंह चौहान यहां से सांसद हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से है, लिहाजा ये मुकाबला दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान ने फिर एक बार राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। चौहान ने कहा है कि उन्होंने आज एक वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी की महिलाएं हर हफ्ते एक बच्चा पैदा करती हैं। इस प्रकार साल में वह 52 बच्चे पैदा करती हैं। वहीं चौहान के इस विवादित बयान पर अरुण यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि नंदकुमार सिंह चौहान की मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। आइए आपको पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा था नंदकुमार सिंह चौहान ने अपने बयान में। बहुत ही अभद्र टिप्पणी नंदकुमार चौहान जी लग रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, सरेआम अपमान किया। हम इसकी निंदा करते हैं अपनी ओर से, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। शायद एक बार डॉक्टर, और जिस तरह का बयानबाजी दो दिन पहले भी उन्होंने की है, जो महिलाओं का अपमान उन्होंने किया है नंदकुमार चौहान जी ने, ये सरासर गलत है और सरासर निंदनीय है। वो कांग्रेस से पूछो जी, कांग्रेस तो देखिए कांग्रेस क्या बोलती है। तुमने आज राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ वो देख लो, वो तो अब जनता प्रतिक्रिया दे रही है। आज उन्होंने वीडियो में कहा है कि यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है, ये मैंने वीडियो में देखा, आप भी देखो। देखिए महाजादूगर तो श्री 1008 राहुल गांधी है, जो ये कहते हैं कि उनके संज्ञान में ऐसी महिलाएं हैं जो एक हफ्ते में एक बच्चा देती है, 52 हफ्ते में 52 बच्चे देती है। नंद कुमार चौहान जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार उलझुल विवादास्पद बयान देने के लिए मशहूर हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इस बयानों से उनका मानसिक संतुलन भी खो चुका है। पहले भी उन्होंने एक राहुल गांधी जी के लेकर आपत्तिजनक बयान दिया कि इधर से आदमी डालो मशीन के अंदर, उधर से बाई निकलेगी, महिलाओं का अपमान किया। उनका यह बयान भी आपत्तिजनक है, कांग्रेस इसके चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। नंदकुमार चौहान को सामने अरुण यादव के प्रत्याशी बनने के बाद हार दिखाई दे रही, और बोखलाट में वो इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। लगातार जब वह प्रदेश अध्यक्ष है तब भी इस तरह के उलझुल बयान देते थे, उलझुल बयान देने के लिए मशहूर हैं, उनके बयानों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। कुल मिलाकर एक और नंदकुमार सिंह चौहान का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार अरुण यादव को हालांकि राजनीति विरासत में मिली है। ऐसे में इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बहरहाल एक बार फिर नंदू भैया के इस विवादित बयान ने राजनीति गर्मा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ खंडवा।